दिक्कत हुआ है जो एक और दो लिखा हुआ था, एक एक पर लिखा हुआ था कैंडिडेट पर और दूसरा दो पर लिखा हुआ था। तो हम बोले कि डीएम मैडम को वहाँ से भेज दीजिए, फाइनल हो जाएगा ये वैलिड है कि नहीं है। इसी पर हमको निकाल दिए हैं जबा जबरदस्ती। जी काउंटिंग में मतलब भूषण जी के पक्ष में वो लोग काम करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हाजीपुर से निकल कर सामने आ रही है, जहां बिहार विधान परिषद चुनाव के मतगणना हो रही थी। इस बीच मतगणना हॉल में जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनके काउंटिंग एजेंट ने जिला प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन एक दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में यहां पे काम कर रही है। आपको बता दें कि हाजीपुर के अंदर मतगणना फिलहाल रुकी हुई है। हाजीपुर में मतगणना केंद्र पर हंगामे की खबर है। यहां बैलेट पेपर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। हाजीपुर स्थित मतगणना केंद्र से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मत पत्र पर निशान को लेकर उम्मीदवार ने आपत्ति जताई है। हाजीपुर स्थित GS इंटर कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। ताज़ा खबर है कि उम्मीदवार ने जो आपत्ति जताई है उसके बाद मतगणना को रोक दिया गया है। मतगणना के काम में लगे अधिकारी उम्मीदवार की तरफ से लगाए गए आरोप की जांच कर रहे हैं। उम्मीदवार का कहना है कि मत पत्र में जो निशान लगाया जाना है उसे लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है और इसी बात को लेकर मतगणना में लगे कर्मी बैलेट पेपर को इनवैलिड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर तमाम जो सियासी दल हैं वो अपना जोर अजमाई से लगा चुके हैं और अब मतगणना है और ऐसे में एक लकीर तय करेगी उम्मीदवारों की किस्मत का भविष्य। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में मतगणना जब होता है तो उसमें केवल एक लकीर खींची जाती है और इस लकीर में थोड़ा भी छेड़छाड़ होता है तो बैलेट पेपर को इनवैलिड कर दिया जाता है। और ऐसे ही खबर निकल के सामने आ रही है हाजीपुर से, जहां बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर पर जो लकीर खींची गई है उस लकीर से और इलेक्शन के दौरान जो मतगणना पदाधिकारी हैं उनके बीच कुछ मतभेद हो गया है। हालांकि जो उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि जो लकीर खींची गई है वो सही है, जबकि इलेक्शन के जो पदाधिकारी हैं, जो मतगणना कराने वाला पदाधिकारी हैं, उनको यह गलत लग रहा और इसी बात को लेकर जो एक पक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी। आपत्ति के बाद काउंटिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद वो बाहर निकले और अपने समर्थकों के साथ हंगामा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तमाम आरोप के बाद जिला प्रशासन ने मतगणना को रोक के उस पूरे मामले की जांच कराने में जुटा हुआ। जाहिर सी बात है कि MLC चुनाव को लेकर कई जगहों से जो नतीजे हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं और पहली बढ़त NDA के खेमे में जाती हुई दिख रही है। जाहिर सी बात है कि RJD का जो गठबंधन है वो इस खबर के बाद थोड़ा सा मायूस और परेशान जरूर हुआ है। जाहिर सी बात है कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर निकाय कोटे से जो 24 सीटें उसके लिए वोटिंग 4 तारीख को हुई थी और आज उसकी मतगणना हो रही है। पूरे बिहार के कई मतगणना केंद्र है जहां पर सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी है और इस बीच जैसे जैसे रुझान आ रहा है वैसे वैसे उम्मीदवारों के चेहरे पर कहीं खुशी तो कहीं गम के भाव साफ दिख रहे हैं। लिखल है तो हम कहें कि DM मैडम को भेज दीजिए वहाँ से। दिक्कत हुआ है जो एक और दो लिखा हुआ था, एक एक पर लिखा हुआ था कैंडिडेट पर और दूसरा दो पर लिखा हुआ था। तो हम बोले कि DM मैडम को वहाँ से भेज दीजिए, फाइनल हो जाएगा ये वैलिड है कि नहीं है। इसी पर हमको निकाल दिए हैं जबा जबरदस्ती। जी काउंटिंग में मतलब भूषण जी के पक्ष में वो लोग काम करते हैं। जी कुछ प्रशासन टेबल पर शंभू संडाय जी सुबोधराज के हम काउंटिंग एजेंट हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना E-Homes पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।